वीरूपा जी कहना पड़ेगा, हम विचित्र कहते रहते हैं लेकिन ये कोई विचित्रता की बात नहीं है कि मुंबई ये पांचवी बार जीती है इस खिताब को। अगर उनके कैंपेन की बात करें वीरूपा जी, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, एक ऐसा साल जो मेरे ख्याल से यादगार रहेगा मुंबई के लिए कि वो इकलौती टीम थी जो एक अलग लेवल पे खेल रही थी और बाकी जो सात टीम थी वो कम्पीट कर रही थी कि कब ये मुंबई का सामना कर पाए। तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे अपने पूरे कैंपेन से, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस से, अनकैप्ड खिलाड़ी वहां पर आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक मजबूत टीम, एक तगड़ी टीम और एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, नो डाउट, मुंबई की टीम ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, पहला मैच हारे जरूर थे लेकिन सबको ये मालूम था कि वो इतनी स्ट्रांग टीम है, प्लेऑफ तो खेलेगी खेलेगी, थोड़ा फॉर्म में आने में समय लग सकता है, उनको मैचेस जीतने में समय लग सकता है, लेकिन पहले मैच के बाद से ही उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो मुंबई है और वो स्ट्रांग है। उन्होंने अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों को स्ट्रांग बनाया हुआ है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो कि दूसरी टीमें ये सोचते हैं कि हमारा मैच मुंबई से है तो वो डरती हैं, बजाय कि मुंबई सोचे कि उनका मैच किससे होने वाला है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि मुंबई को हरा सकता है तो कोई खुद मुंबई, क्योंकि मुंबई अगर हैदराबाद से हारी बाद में, जब हैदराबाद जीती उनसे अंतिम दौर में, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी टीम में, कि बहुत सारे अपने जो बॉलिंग थे उनके, बुमराह थे, बोल्ट थे, उन सबको ब्रेक दिया, उसकी वजह से वो मैच हारे, अदरवाइज वो वाला मैच भी नहीं हारते। तो मुझे लगता है ऐसी बढ़िया टीम होने के बाद तो आपका कैंपेन अच्छा होना ही वाला होता है, तो ये सिर्फ मैटर करता है कि आपके प्लेयर कब फॉर्म में आएंगे, आपके बोलर्स कब फॉर्म में आएंगे। जैसे ही वो फॉर्म में आते हैं तो आप जीतना शुरू कर देते हो, और वही मुंबई के साथ हुआ। तो मुंबई कभी ऐसा लगा नहीं कि वो टॉप फोर से एक बार भी नीचे आई हो, तो हमेशा टॉप फोर में रही है, चाहे एक दो तीन चार पर कहीं रही है, एक दो मैच जरूर हारी थी वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉप फोर में हमेशा से रही है, और वो तभी रह सकती है जब आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दो। और उनके बैट्समैन बॉलर, अगर मैं एक बात नोट की जो मैंने इस सीजन में, रोहित शर्मा ने उतने ज्यादा रन नहीं बनाए, क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए, ईशान किशन ने रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए, हार्दिक पांड्या पोलार्ड ने रन बनाए, कृणाल पांड्या ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद उनके जो बॉलर थे, चाहे वो राहुल चहर हो, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो बुमराह हो, ये सब तीनों गेंदबाजों ने बड़ी कमाल की गेंदबाजी की, और दो तो शायद टॉप फाइव में या टॉप थ्री में होंगे, बोल्ट और बुमराह, तो और राहुल चहर भी स्पिनरों की उसमें देखे तो सेकंड या थर्ड नंबर पर होंगे। तो जब आपके तीन गेंदबाज आपको विकेट दिलाते हैं और चार बल्लेबाज रन बना रहे हों, फॉर्म में हो, तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए मैच जीतना या किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलना या हराना। अब ये देखिए, जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर है, उसमें बोल्ट तीसरे नंबर पर जी। तो अगर ये लिस्ट अगर और लंबी की जाए तो शायद राहुल चहर भी उस लिस्ट में कहीं ना कहीं छठे सातवें आठवें नंबर पर दिखाई देंगे। तो एक टीम के तीन गेंदबाज विकेट ले रहे हैं, और बल्लेबाजों की सूची में देखें उसमें भी तीन या चार बल्लेबाज हैं जो टॉप टेन में होंगे, तो फिर आपका टीम का जीतना तो तय ही है।